हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय पेज मधु एंड संजय ब्लॉग्स। तो आप लोग पहले वाला वीडियो में देखा है कि मैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कुछ कपड़े लेने आई हूं, और आप लोग गेस कर सकते हो कौन सी कपड़े। अभी तो विंटर चल रहा है तो वार्म कपड़े कुछ मैं ले रही हूं, क्योंकि शॉर्ट हो गए हैं, घर पर वार्म कपड़े नहीं है। मतलब मेरे पास भी कम है, बच्चे लोग का भी नहीं था, मतलब कि सबका छोटा हो गया है। बेटी को भी चाहिए था, पति देव को भी चाहिए था, लेकिन अफसोस पति देव लिए या न लिए देखिएगा, मैं बताऊँगी लास्ट में। तो यहाँ पे कुछ कुछ लेने के बाद पहले वाला वीडियो हमने पोस्ट किया है, आप लोग देखे होंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी इसीलिए पार्ट वन पहले गया, पार्ट टू बाद में जा रहा है। ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और कुछ कुछ मैंने भर लिया है यहाँ पे जो पसंद आया है, और मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था आज मार्केट में, मतलब घूम कर, क्योंकि शॉपिंग में जो एम बाज़ार है डिब्रूगढ़ का, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पकड़ के, क्योंकि सब जगह यहाँ देख रहे थे 30% का डिस्काउंट चल रहा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कहीं पे जो मतलब डिस्काउंट चलता है, तो मैं दौड़ मारती हूँ कि चलो चलो कुछ लेके आया जाए। हमेशा मैं विशाल से लेकर आती हूँ, आपका सिवैया, कभी वो मैगी पास्ता ऑफर देते रहते हैं, तो सोन पापड़ी, कौन कौन लाता है सोन पापड़ी, मैगी पास्ता, ये हमेशा हम विशाल से लेते हैं। लेकिन इस बार हम थे यहाँ एम बाज़ार में, तो यहाँ भी चल रहा था, सब जगह देख रहे थे। बट दुख की बात, जो मतलब ज़्यादा मतलब कॉस्टली था, जो पसंद आ रहा था मेरे बेटी को, वहाँ पे कोई ऑफर नहीं था। यही मुझे बड़ी अच्छी नहीं लगी, दुख की बात थी। लेकिन खुशी थी कि यहाँ पे सब ऑफर प्राइस चल रहा था। इस टोपी में कोई ऑफर प्राइस नहीं था, यहाँ पे हम बिलिंग करने के लिए आए थे, तो यहाँ पे बेटी ने देख लिया कि टोपी है, तो हमने ले लो, अगर अच्छा लगता है तो ले लो विंटर में। और बीच में मुझे ना एक काला वाला पसंद आ गया था स्वेटर, काला स्वेटर था, जो कि सबको अच्छा लगा था देखने में, लेकिन मैं यहाँ पहनी हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरा पेट जो स्टोमक है आज इन दिनों, मुझे मतलब ज़्यादा रेस्ट कर रही हूँ ना, थोड़ा कम चल फिर रही हूँ, घर पे ही रह रही हूँ आजकल, ठंडा की वजह से मतलब ज़्यादा बाहर निकल नहीं रही हूँ, और ड्यूटी भी मेरी ऑफ हो गई है, इस वजह से मेरा पेट भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि खाना पीना भी ज़्यादा हो रहा है। मैं दिन में लंच में रोटियाँ खाती हूँ, अभी मैं चावल खाना शुरू कर दी हूँ शायद इसी वजह से। तो ये वाला काला वाला अच्छा नहीं लगा मुझे, और पति देव भी देखे तो बहुत हंस रहे थे, अब बोल रहे थे कि मधु ये देखने में जितना अच्छा लग रहा था ना, उतना अच्छा तुम पे नहीं जचा, चलो चलो इसको उतारो, और कोई पतली लड़की पहनेगी इसको, तुम्हारे लिए नहीं बना है। तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा सच में, मुझे ज़्यादा टाइट फिटिंग अच्छा नहीं लगता पेट की वजह से, तो मैंने वो रख दिया, वो लिया नहीं। और यह सजाया जा रहा है, इधर का उधर रखा जा रहा है, पहले जैसा बिल्कुल ही नहीं है, थोड़ा अलग हो गया है। लेकिन हम लोग को शॉर्टकट रास्ता चाहिए था, कि उधर आगे से आने से पीछे से रास्ता है झालुकपड़ा, यहाँ पर हुटिया मार्केट है, जो लोग डिब्रूगढ़ से वो लोग समझते हैं, तो हम लोग आगे से वहाँ से निकले हैं और पीछे से इधर से हम लोग शॉर्टकट आ गए हैं। और ये बाप बेटा पहले से ही इधर थे, क्योंकि पापा जी का दुकान था उस साइड से, तो हम उधर से नहीं गए थे, तो ये मतलब पति देव और बेटा उस साइड से निकल गए, हम लोग विशाल मार्केट से बेटी और मैं निकल के आ गई, और हम दोनों एक साथ फिर यहाँ मिल गए। तो अभी हम आ गए हैं, देख सकते हैं कहाँ पर हैं हम लोग, भुटिया मार्केट में है। तो आप लोग दूर से देखते हैं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो लोग डिब्रूगढ़ आसाम से वो लोग समझ जाएंगे। तो हम लोग आ गए थे भुटिया मार्केट में, और यहाँ पे किस लिए हम आए, क्योंकि बेटी को पसंद ही नहीं हुआ वहाँ पे, जिस मॉल में आप लोग देखे थे हम लोगों को, वहाँ पे उसके लाइक नहीं मिला, बोला कि नहीं यहाँ पे सब ओल्ड फैशन लगा रखा है, मुझे एक भी पसंद नहीं है। मुँह ऐसा बना रही थी कि भुटिया मार्केट में चलो, क्योंकि तुम लोग को पसंद नहीं आ रहा है, मतलब हम लोगों को पसंद उसको होता ही नहीं। उसके बाद हम लोगों ने आ गया भुटिया मार्केट में बेटी के लिए, लेकिन बेटी के लिए आए लेकिन मुझे भी यहाँ पे कुछ पसंद आ गया। और यहाँ पे मेरा दोस्त बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि पति देव ने बोला कि ये वाला तुम लो, अच्छा लगेगा तुमको। बेटी ट्राई कर रही है, बहुत सारा ट्राई की, बहुत टाइम लगा दी यहाँ पे, बट उसको पसंद नहीं आ रहा था यहाँ पे भी, और लेट हो गया था, इसीलिए आप लोग देख सकते हैं मार्केट में कोई आदमी ज़्यादा है नहीं, गिना चुना कोई कोई है। और मुझे भी थोड़ी सर्दी और जुकाम लगी हुई है, इसीलिए आवाज़ भी मेरा थोड़ा भारी लग रहा होगा आप लोगों को। और यहाँ पे ये ट्राई कर रही थी, बहुत जगह देखने के बाद उतना क्लीन, उसका पापा बोला पति देव जी कि इस टाइप का है तो इनका मम्मी के लिए दिखाइए, तो वहाँ से दिखाना शुरू किया वो लोग, और एक पहना कर हमको दिखाया, तो सबको अच्छा लग गया और मुझे लेना पड़ा, तो ये वाला हमने ले लिया है, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे। और सब करने के बाद बज गया था 9, और यहाँ पे बोले थे कि चलो कुछ डिनर कर लिया जाता है, तो विराज बोल रहा था कि आज हम लोग बाहर ही खाएंगे, तो डिनर बाहर ही करेंगे, और रिया भी कह रही थी, तो रिया की ये जो है कि फेवरेट होटल भेज है,
तो यहाँ पे हम लोग चल दिए हैं, चलो खाने के लिए कुछ खा लिया जाए, डिनर घर पे नहीं करना है आज तो बाहर में ही डिनर करेंगे। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं, फाइनली होटल में पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा होता है, हम लोग हमेशा यहीं खाते हैं रिया के चलते नहीं, मुझे भी अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन रहता है यहाँ पे और बिल्कुल ही भेज होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आ गए। और विराज बोल रहा है कि हमको तो भेज चाउमीन खाना है, और वो बोल रही है मुझे तो पाव भाजी चाहिए पनीर वाला। तो बोला देख लो बेटा, तुम लोग को जो खाना है मंगा लो। और हम और पति देव जी बोले कि हम लोग छोले भटूरे ले लेते हैं, क्योंकि नाइट डिनर में हमको तो पूरी सब्जी चलेगा, क्योंकि दूसरा कुछ खाएंगे तो वापस भूख लग जाएंगे, मुझे तो नहीं चाहिए भाई पाव भाजी और ये सब मेरा खाना नहीं है। तो बच्चे लोग को जो मन था वो मंगवा दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो ऑर्डर देना पड़ेगा तभी बनता है यहाँ पे। उसके बाद पापा जी को दे दिया जाता है, विराज बोलते हैं पापा लेके जाओ ऑर्डर दे के आओ। भेज चाउमीन विराज खाया, और मेरे लिए था छोले भटूरे, और बेटी के लिए पाव भाजी पनीर वाला, पनीर पाव भाजी। और पापा जी का फरमाइश कुछ भी यहाँ पे नहीं है उनका, क्योंकि वो सब जो हम लोग खाएंगे वही खाएंगे। तो देख सकते हैं बेटा जी का आ गया है चाउमीन, और वो लग चुके हैं अपने खाने में देख सकते हैं आप लोग। और बेटी का आ गया है पाव भाजी पनीर वाली, और मेरा आ गया है छोले भटूरे। छोले भटूरे जो कि है मैं दोनों खा नहीं पाऊंगी, एक में शेयर करेंगे पति देव के साथ। हम दोनों ने एक प्लेट लिया है एक्स्ट्रा, और उनको एक दे दिया, एक मैं खाई हूँ। बट ये पूरी बहुत ही टाइट था आज का, मतलब क्या बताइएगा, मतलब टूट ही नहीं रहा था, और वो की वजह से हमने टोपी लगाया। और बच चुका था 10, आप लोग देख सकते हैं पूरे 10 बज चुका है। लेकिन खाना का यहाँ पे सिलसिला ख़त्म नहीं होता है मेरे घर में, क्योंकि पापा जी के लिए बनाना था रोटी, वो आएंगे 10:30 बजे। तो वहाँ पे पति देव जी बोल रहे हैं कि तुम रहने दो, आज मैं रोटी बना देता हूँ। और पापा जी के लिए आलू गोभी की सब्जी है तो उनको हम गर्म कर देंगे, और अचार भी था, टोमेटो का चटनी भी था, तो बोले थे उसी से काम चलेगा। आज सब खाकर आ गया है, तो पापा जी को तो बाहर का खाना नहीं पसंद है, वो रोटी खाना पसंद करते हैं, उनके लिए 4-5 रोटियां पति देव ने बनाए। और मैं यहाँ पे इतना ठंडा लग रहा था, मेरा हाथ दर्द शुरू हो गया था, पता नहीं क्यों, बाहर ठंडा में शायद। उसके बाद मैं बोली हूँ कपड़ा उपड़ा चेंज करने के बाद मैं जाती हूँ रजाई में सोने के लिए, सब लोग भागो यहाँ से क्योंकि बहुत रात हो गई है और मुझे रोटी बनाना नहीं है। तो चलो मैं सोती हूँ, मेरा दावा है वो खा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं कपड़े चेंज करने की तैयारी में हूँ फटाफट, और हाथ से ना बिल्कुल नहीं हो रहा था कुछ भी, मतलब क्या बताऊँ। तो चलिए कैसी लगी वीडियो, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, बहुत कोशिश के बाद वीडियो बनता है बाहर का, बहुत मतलब कोशिश करना पड़ता है, बहुत ही परिश्रम तब वीडियो बनता है। थोड़ा थोड़ा क्लिप आप लोगों के लिए लेती हूँ, तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। डिब्रूगढ़ मार्केट कैसी लगी ज़रूर बताइएगी, छोटी सी है बट बहुत ही प्यारी मार्केट है। और पति देव जी भी यहाँ पे इधर उधर घूम रहे हैं, अब बोल रहे हैं तुम खोल लो, जाओ जाओ ड्रेस चेंज करो, मैं बना लूँगा रोटी। तो मैं तो यहाँ पे खुश नहीं थी क्योंकि सब लोग घूम घूम के थक चुके थे, तो मैं